वेलकम बैक टू माय फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल सेफ स्टाइल। तो आज दिखाते हैं हम पनीर टिक्का गार्लिक ब्रेड की मेकिंग आपको, और आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। तो ये हमारी पिज्जा डो आ गई है, इसमें हम एक रेगुलर साइज़ की पिज्जा डो का यूज़ करेंगे गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए, चाहे वो पनीर टिक्का गार्लिक ब्रेड हो, स्टफ गार्लिक ब्रेड हो या फिर गार्लिक ब्रेड स्टिक हो, तीनों में ही एक रेगुलर साइज़ की पिज्ज़ा की डो यूज़ होगी। और इसको हम अब राउंड शेप देते हैं, एकदम राउंड शेप के लेना ज़रूरी है अगर हम गार्लिक ब्रेड बना रहे हैं। और इसके जो कॉर्नर होंगे वो भी एकदम स्लिम होंगे, ना कि पिज़्ज़ा की तरह इसके कॉर्नर हमें मोटे रखने हैं। तो हमें इसको स्ट्रेच कर लिया है, अब इसमें कांटे मार देंगे ताकि ये फ्लफी ना बने, फूले ना। फिर हम इसमें आपको ड्रेसिंग दिखाते हैं इसकी क्या क्या ड्रेसिंग जाएगी। पनीर टिक्का गार्लिक ब्रेड है तो हम इसमें सबसे पहले तंदूरी सॉस डालेंगे, तंदूरी ड्रेसिंग देंगे ताकि इसमें थोड़ा तंदूर का फ्लेवर आए। उसके साथ हम देंगे इसमें चीज़ ब्लेंड, चीज़ ब्लेंड से थोड़ा क्रीमी फ्लेवर आएगा, इसलिए हम इसमें चीज़ ब्लेंड ऐड कर दिया है। इसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं ऑर्गेनो और चिली फ्लेक्स, ऑर्गेनो चिली फ्लेक्स इसमें स्प्रिंकल करेंगे जिससे थोड़ा मसाला और स्पाइसी हो गई, चिली फ्लेक्स से स्पाइसी हो जाएगा और ऑर्गेनो से इसमें अच्छा एक टेस्ट और खुशबू आएगी। उसके बाद ऐड करते हैं इसमें ऑनियंस, क्योंकि पनीर टिक्का गार्लिक ब्रेड है तो इसमें ऑनियन जाएगा हमारा, कैप्सिकम जाएगी, फ्रेश कैप्सिकम हमने ऐड कर लिया। कैप्सिकम के साथ हम इसमें पनीर डालेंगे और जैलपिनो डालेंगे, जैलपिनो से थोड़ा खट्टा और स्पाइसी फ्लेवर बढ़ेगा इसका, तो हमने इसमें जैलपिनो ऐड कर दिया है। अब हम इसमें आपको ऐड करेंगे रेड पेपरिका, और रेड पेपरिका के बाद ऐड करेंगे इसमें थोड़ा पनीर, पनीर ऐड कर दिया है। तो पनीर ऐड करने के बाद इसमें हम थोड़ा मसाले वाला पनीर डालेंगे, लेकिन नॉर्मल पनीर मत डालना इसमें, जो भी पनीर डालो मसाला मार के डालना। उसके बाद हम मोजिला चीज़ ऐड करेंगे जिससे एक अच्छा फ्लेवर आएगा। अब हम इसको बंद कर देंगे जो इसका माउथ है, और इसको हम एक अलग शेप दे देंगे जो गार्लिक ब्रेड की शेप होती है। एक बार इसको बंद करने के बाद इसको आप कवर करना दोबारा से, ताकि ये ओवन में जाके बेक होने के बाद खुले ना, इसलिए हमने इसको दो बार बंद किया है। और ये देखा इसकी शेप भी बहुत अच्छी आई है, एकदम जैसे डोमिनोज में हमें गार्लिक ब्रेड मिलती है बिल्कुल वही शेप देंगे। अब इसमें आपके ऊपर है कि आपको इसमें कितने पीस निकालने हैं। इसमें हम जैसे बनाने से पहले कटिंग देते हैं ताकि ये 4 पीस की गार्लिक ब्रेड हो, 2 पीस की गार्लिक ब्रेड हो या 3 की, तो ये हम 2 पीस की गार्लिक ब्रेड बना रहे हैं इसलिए हम इसको 2 पीस देते हैं। ये इस पर हमने बटर लगा दिया ओवन में जाने से पहले, बटर से ये अच्छा बेक होगा, इसलिए इसको बटर से कवर करना पूरा, जो भी इसके पार्ट्स हो उसको बटर से कवर करने के बाद ही ओवन में डालना है ये, तभी ये जलेगा नहीं और एक अच्छा फ्लेवर आएगा इसका डो का भी। देखिए हमने इसको ओवन में रख दिया है, और टेम्परेचर हमेशा एक वही रहना चाहिए 250 से 260 के बीच में, किसी भी इटालियन फूड को पकाने के लिए। ये देखिए हमारी गार्लिक ब्रेड बेक होके आ गई है एकदम फ्रेश, जो बीच का टाइम था वो हमने स्किप कर दिया था, इसको लगभग वही 2 से 3 मिनट लगती है ओवन पास करने में, और ये हमारी गार्लिक ब्रेड निकल गई है। अब इसमें हम थोड़ा बटर लगाएंगे जिससे इसका जो ड्राइनेस है वो ड्राइनेस हट जाए, और उसके ऊपर थोड़ा ऑर्गेनो हम स्प्रिंकल करेंगे ताकि वो ऑर्गेनो इस पर एक अच्छी लुक भी दे और एक अच्छा टेस्ट भी दे। ये हमारा बन गया पूरा, और ऑर्गेनो स्प्रिंकल कर दिया हमने। अब इसको हम बीच से हल्का सा कट कर देंगे ताकि जो भी कस्टमर हो इसको आराम से हट निकाल सके। ये देखिए बीच से हमने कट कर दिया इसको, अभी हमारी गार्लिक ब्रेड सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये हमने सर्व किया, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि कितने अच्छे सब कुछ बेक हो चुका है। देखिए आप चीज़ की लाइन देख सकते हो मोजिला चीज़ की, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है एकदम। तो कैसी लगी आपको हमारी पनीर टिक्का गार्लिक ब्रेड की वीडियो? नेक्स्ट वीडियो में हम आपको स्टफ गार्लिक ब्रेड दिखाएंगे जो डोमिनो स्टाइल होता है बिल्कुल सेम। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए।